हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज का वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इग्नू के तरफ से इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ की गई है, जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो बने रहिएगा सभी स्टूडेंट्स वीडियो में लास्ट तक, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। फाइन, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे हर एक नोटिफिकेशन को, राइट। सो गाइज, इग्नू की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन अपडेट की गई है, जिसको एक एक करके हम लोग सभी के ऊपर बात करेंगे। सो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपडेट, जो कि आपका रिजल्ट का अपडेट है, जो कि आप देख सकते हो 7 दिसंबर 2022 में से आज का ही अपडेट है, आज ही अपडेट आया है। एंड मैं आपको बता दूं, ये दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका अभी भी कुछ पेपर का रिजल्ट नहीं आया था, तो वो सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट को चेक कर ले बिकॉज आज आपका रिजल्ट अपडेट किया गया है। इससे जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो काफी परेशान हो जाते हैं। आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी तक अपडेट किया जा रहा है, मींस कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका दिसंबर 2021 वाला रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन वाला नहीं आया, क्योंकि आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी तक अपडेट हो रहा है, तो जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन का अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, वेट कर लीजिएगा। वैसे जितने भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपना एग्जाम दिया है, सभी स्टूडेंट अपना अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के चेक कर लीजिए जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। एंड रही बात जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट का, तो ये 1 दिसंबर को ही अपडेट किया गया था, अभी इसका अपडेट नहीं आया है। अगर नेक्स्ट अपडेट में आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, राइट। एंड नेक्स्ट अपडेट है जहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपका प्रोग्राम CYP का है, देन आपके लिए ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसका शेड्यूल यहाँ पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल शेड्यूल को चेक कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर नेम आपको बताया गया है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है, आपका CYP का ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि आपको वेन्यू भी यहाँ पर बताया गया है। वेन्यू है आपका रीजनल सेंटर दिल्ली 3, और पूरा एड्रेस दिया गया है। ये डेट है 10 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, टाइमिंग आपको 9 AM से लेकर के 11 AM तक बताया गया है। सो जितने भी दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, उनका CYP का प्रोग्राम है, देन सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है जनवरी 2022 सेशन के लिए, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं टोटल 4 पेज का आपका यहां पर PDF रिलीज किया गया है, जहां पर हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग आपका मेरिट लिस्ट निकाला गया है। एंड मैं आपको बता दूं, ये करनाल रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है 6 दिसंबर को, मींस कल ये अपडेट आया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स का रीजनल सेंटर करनाल है और उन्होंने जनवरी 2022 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, तो अपने सेकंड मेरिट लिस्ट को चेकआउट कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट भी बीएड एडमिशन काउंसलिंग 2022 रिगार्डिंग है, जो कि भोपाल, जबलपुर एंड रायपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर आप देख सकते हैं आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी रिलीज कर दिया गया है, थर्ड वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो थर्ड वेटिंग लिस्ट आपका 5th नंबर में यहाँ बताया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर टोटल 6 स्टूडेंट्स का नाम है, जो कि SSC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। एंड नोट में जो पॉइंट आपको बताया गया है उसको आप देख लेंगे। सो जितने भी भोपाल रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर ले, यहाँ पर जबलपुर और रायपुर का भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट है। सेकंड वेटिंग लिस्ट आपका पहले रिलीज किया गया था, अब आपका थर्ड वेटिंग लिस्ट भी रिलीज किया गया है, सो सभी स्टूडेंट चेकआउट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अपडेट आपके मधुराई रीजनल सेंटर पे है, जहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट दी गई है बीएड जनवरी 2022 सेशन वाले स्टूडेंट्स का, कि यहाँ पर आपका इंडक्शन मीटिंग रखा गया है, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इंडक्शन मीटिंग में क्या होता है कि आपको आपके प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, और इंडक्शन मीटिंग का शेड्यूल आपको यहाँ बताया गया है, टाइमिंग 4 PM, डेट आपका यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स मदुरई रीजनल सेंटर के हैं, वो बीएड के स्टूडेंट हैं, तो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा।
सो गाइज यही सब था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से दिया गया था। सो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।